शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसी न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले कोरोना महामारी से पिछले चार माह से शहर के लोगों पर भुखमरी की नौबत आ पड़ी है ऐसे में अब तक शहर के अधिकांश दानदाताओं ने अनाज किट का वितरण किया है इसी क्रम में पारड़ी के अंतर्गत आने वाले ठौकर नगर लायंस क्लब और श्रीराम सेना के संयुक्त तत्वावधान में परिसर के गरीब और जरूरतमंदों को अनाज कीट का वितरण किया गया इस मौके पर विप्र परिसर के नागरिकों ने अनाज कीट का लाभ उठाया कोरोना महामारी से रोजाना दर्जनों मरीज संक्रमित होने का आंकड़ा आ रहा है इससे पहले राज्य सरकार ने मनपा प्रशासन को शहर में लॉकडाउन लगाने के दिशा निर्देश दिए थे जिसे शहर में लॉकडाउन लगाया गया था लॉकडाउन लगाने से शहर के अधिकांश नागरिक भूखे मर रहे थे ऐसे में शहर के दानदाताओं ने अनाज कीट का वितरण कर उन्हें भूख से बचाया था अनाज मिलते ही लोगों ने सुकून की सांस ली थी लेकिन आज भी गरीब जरूरतमंद लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर के लायंस क्लब और श्री राम सेना द्वारा पार्टी के अंतर्गत आने वाले ठौकरवाड़ी और बाकी बस्तियों में अनाज कीट का वितरण महावितरण के श्रीवास्तव और श्री राम सेना संस्थापक रंजित सफेल कर इनके हाथों वितरित किया गया जिसका लाभ लोगों ने लिया नागपुर शहर में जिस प्रकार से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है इस महामारी से अब तक के कई लोग संक्रमित हो चुके हैं तो वही दर्जनों से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है जी हाँ और हजारों की तादाद में लोग संक्रमित हैं और कुछ दिनों के लिए राज्य सरकार की ओर से यह गाइडलाइन दी गई थी कि मनपा प्रशासन नागपुर शहर को पूरी तरह से नियंत्रित करे इसलिए लॉकडाउन जारी किया गया था लॉकडाउन जारी किए जाने से लोग अपने घरों में थे तो कई कारोबार पूरी तरह से बंद पड़े थे ऐसे में कई सामाजिक संस्थाओं ने अलग अलग जगहों से अनाज कीट का वितरण किया था और परिस्थिति आज भी जो की तो पड़ी हुई है लोग भूखे मर रहे हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए श्रीराम सेना की ओर से आज लायंस क्लब और श्रीराम श्रीरा सिरा इनके संयुक्त तत्वावधान में अनाज कीट वितरण का कार्यक्रम पार्टी के अंतर्गत आने वाले इस परिसर में लिया गया है ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे सबसे सब पहले हम रुक करना चाहेंगे इस समय में हमारे साथ में महावितरण के एडिशनल एग्जीक्यूटिव श्रीवास्तव जी है श्रीवास्तव साहब ये बता कि जिस तरह से आज अनाज कीट का वितरण किया गया कैसा महसूस हो रहा था क्या लोगों की प्रतिक्रिया थी जी आज के इस वातावरण में वाकई कई लोगों की रोजी रोटी जा चुकी है और हम सरकारी कर्मचारी खुद को ये समझते हैं कि हम इस लायक हैं कि किसी की मदद कर सकें इसलिए महावितरण के अभियंता और लायंस क्लब नोबल ने मिलकर ये प्रस्ताव हमारे बहुत पूजनीय श्री राम सिन्हा के संस्थापक श्री माननीय रंजीत भा सफेल करके साथ में दिया कि आप गर्ज लोगों की हमें यादी दीजिए हम उन तक अथक महत्व मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस सिलसिले में मुझे पता चला कि पार्टी में बहुत से लोग तकलीफ में जूझ रहे हैं तो मैंने अपने लायंस क्लब के सदस्यों और आज के हमारे महावितरण के अभियंता लोगों के साथ में मिलके 20 किट हमने यहाँ पर जमा की और गर्जू लोगों तक पहुँचने की कोशिश की छोटी सी शुरुआत है लेकिन हम इसको आगे और जारी रखेंगे श्री राम सेना के संस्थापक रंजीत सफेलकर हमारे साथ में उनसे भी जानना चाहेंगे आप ये बताइए कि जिस तरह जब आप बस्ती में गए तो लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी और लॉकडाउन के चलते लोगों में जो एक भूखमरी की नौबत आ पड़ी है आप अपनी संस्था की ओर से और क्या क्या मदद करने जा रहे हो हमारे श्री राम सेना का तो हरदम प्रयास सभी जिलों पर किया जा रहा है और जो भी गरीब पीड़ित दुखी लोग हैं उनको सेवा देने का काम उनको सहयोग देने का काम हमारे संगठन के माध्यम से होता रहा है हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सभी संगठन इस कार्य में आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं जैसे कि लाइंस क्लब आज खुद होकर के उन्होंने कहा कि अभी ऐसे कुछ गरीब लोग हैं जो मतलब हम तक नहीं पहुँच पाते जो सलम बस्ती है तो हमारे ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए हमें आज श्रीवास्तव साहब ने लायंस क्लब के माध्यम से हमको बताया और हम लोगों ने हमारे कॉलेज जी जो आज यहाँ के श्री राम सेना के हमारे पदाधिकारी है इन्होंने लिस्ट बनाया और वो लिस्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर उतने किट लेकर के पहुँचे तो आज 25 किट हमने बांटे क्योंकि लिस्ट 25 लोगों की तैयार थी आदि और कुछ लोग फिर यहाँ पर अभी दिखे हमें के 25 लोगों की तो लिस्ट हमने बनाई थी लेकिन यहाँ पर हमें और पचास पच्च, लोगों को दिखे तो हमने उनको ये कहा कि जिनका नाम यदि इस लिस्ट में नहीं है तो आप उनका लिस्ट पे नाम लीजिए और आगे की जो प्रक्रिया है हम उन जो बचे हुए लोग हैं उनको भी हम किट देंगे और ऐसे जो भी गरीब गरीब पीड़ित जो भी लोग हैं इनको सेवा देने का काम हम सभी संगठन के माध्यम से लायंस क्लब हो श्री राम सेना हो और भी संगठन जो हमें सेवा देना की मतलब भावना रखते हैं ऐसे सबको साथ में लेकर के हम समाज में सेवा देने का काम श्री राम सेना के माध्यम से तत्पर करते रहेंगे और जब भी हमारी देश हित में जरूरत पड़ेगी हमारा श्री राम सेना का संगठन हमेशा देश हित में सेवा के लिए खड़ा रहेगा और श्री राम सेना और लायंस क्लब इनके संयुक्त तत्वावधान में आज ये अनाज कीट का वितरण का कार्यक्रम लिया गया इस समय में हमारे साथ में अधिवक्ता आकाश है उनसे जाना चाहेंगे आकाश आप बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हो इस कार्यक्रम को लेकर देखिए जैसे जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे कोविड का हम पूरे भारत देश में देख रहे हैं कई चीज़ें खुल रही है कई चीज़ें बंद हो रही है अब महाराष्ट्र सरकार और नागपुर महानगर के, के निर्णय से ऑटो रिक्शा और दिती टैक्सी ये सभी चीज़ बंद हो गई आप ये देख रहे हैं कि भाई कुछ कुछ व्यवसाय चालू है कुछ कुछ व्यवसाय बंद है पर इस टैक्सी और ऑटो रिक्शा से जुड़े हुए कई लोग जो कुछ व्यापार नहीं कर पाए हम जैसे संस्था के माध्यम से हम लोग उनकी कोई मदद कर पाए हमें हमेशा जैसी कोशिश करनी चाहिए लॉयस क्लब श्रीराम सेना और जो हमारे शहर अध्यक्ष राजेश चढ़वड़कर अरविंद जी कावले इनके नेतृत्व में हमने एक कैंप रखा और कोशिश की कि हम ऐसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाए जिस जरूरतमंद लोगों को सचमुच में जरूरत है क्योंकि बहुत लोगों ने सेवा दी है पर सेवा गलत दिशा में गई हमने हमेशा कोशिश हम ये करते हैं कि सेवा सही दिशा में पहुँचे ये हमारा नेतृत्व होना चाहिए तो आप थे आकाश जिन्होंने बखूबी बेबक के साथ बात करते हुए ये कहा कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लॉकडाउन के माध्यम से जो लोग प्रभावित हुए हैं ऐसे गरीब जरूरतमंद लोगों को श्रीराम सेना अच्छा कामकाज कर रही है यही शहर की जनता का कहना है पार्टी के अंतर्गत आने वाले शिवनगर ठोकरवाड़ी से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे इन बी न्यूज नागपुर